नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर्स में आज हम लेकर आए हैं जमैका के पोएट एडवर्ड बॉ की पोयम द कारपेंटर्स कंप्लेंट। ये जमैका जो एक देश है समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसको आइलैंड नेशन कहते हैं। वेस्ट इंडीज का नाम आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत जमैका भी एक देश के रूप में शामिल है। वेस्ट इंडीज कई देशों का को मिला करके बना हुआ है, ग्रुप है एक। खैर, तो इस कविता का एक्सप्लेनेशन करने के पहले हम थोड़ा सा इसके जो लेखक हैं एडवर्ड बॉ, उनके बारे में कुछ परिचय दे देते हैं। 10 जनवरी 1936 को जमैका के पोर्ट एंटोनियो में जन्मे एडवर्ड बॉ को अपने विद्वतापूर्ण लेखन के लिए जाना जाता है। वो इंग्लिश लिटरेचर में PhD कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में अध्यापक भी रहे हैं। इसके अलावा वो दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटी, जैसे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और अन्य कई यूनिवर्सिटियों में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश के। बहुत अच्छे पोएट भी हैं, साथ साथ में बहुत अच्छे जीवनी लेखक भी हैं और वक्ता भी रहे हैं। बहुत अच्छे मतलब बोलने वाला, स्पीच देने वाला। इनको पोस्ट कॉलोनियल कैरेबियन पोएट्री में अग्रणी कवि माना जाता है, लीडिंग पोएट। नोबल पुरस्कार जो विजेता हैं, बड़े प्रतिष्ठित लेखक हैं, डेरेक वॉलकॉट। उनके साहित्यिक काम पर इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत गंभीरतापूर्वक रिसर्च किया है और वो बुक इनकी द डेरेक वॉलकॉट मेमोरी एज विजन के नाम से पब्लिश हुई है। खुद भी इन्होंने एक कैरेबियन पोएट्री के इतिहास पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है, वेस्ट इंडियन पोएट्री 1900 to 1970। इनके जो साहित्यिक क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया था, जो लेखन किया, उसके लिए इनको इंस्टीट्यूट ऑफ जमैका ने गोल्ड मसग्रेव मेडल से सम्मानित किया 2012 में। और इसके बाद फिर आगे चलकर 2021 में बोकस हेनरी स्वेंजी अवार्ड के लिए इनको संयुक्त विजेता चुना गया। इनके साथ में मर्विन मारुश को भी उसका विजेता चुना गया था। तो ये था एडवर्ड बॉ का संक्षेप में जीवन परिचय। अब हम शुरू करते हैं पोयम द कारपेंटर्स कंप्लेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कविता की पहली लाइनें हैं, नाउ यू थिंक दैट इज राइट शाह, टॉक ट्रूथ, द मैन वाज मी फ्रेंड, आई बिल्ड इट, आई बिल्ड द हाउस That him live in, but now that him dead, that magua foot boy, him son, come say him want a nice job for the coffin। ये दरअसल जो पोएम है कारपेंटर्स कंप्लेंट, इसके अर्थ तो समझ में आ जाता है कि एक कारपेंटर है जिसको बढ़ई बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता है, मेज कुर्सी वगैरह बनाता है, तख्त वगैरह, वो कारपेंटर्स होता है। उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत उनके प्रति, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों की गहरी दोस्ती थी। तो जब वो मृत्यु हो गई उसकी, तो उसके लिए जो कफन बनाने का, मतलब वो रखने, ताबूत बनाने का काम मिला, तो इसको नहीं दिया गया। उसके लड़के ने, उस मित्र के लड़के ने इस व्यक्ति को नहीं दिया, तो ये बड़ा दुखी है और उस शिकायत को एक बार में बैठा हुआ है, दारू के ढाबा की तरह या दारू का रेस्टोरेंट की तरह कोई जगह है, तो वहाँ वो शिकायत किसी से कर रहा है कि देखो मुझे उसने मेरे ही मित्र के काम के लिए नहीं दिया कि मुझे ताबूत बनाने को मुझे मिलना चाहिए। तो वो शिकायत यहाँ कैसे शुरू करता है, नाउ यू थिंक दैट इज़ राइट सा, यहाँ सा का कोई अर्थ नहीं है, सा जैसे हम लोग कहते हैं हाँ यार ऐसे, कि देखो यू थिंक दैट इज़ राइट, ये क्या ठीक है यार, हाँ टॉक द ट्रूथ, सही बोलो, सच बोलो, ऐसा जो उसने किया ठीक किया क्या क्या, अरे द मैन वाज मी फ्रेंड, वो जो व्यक्ति था, ये जो मरा है, मेरा फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, आई बिल्ड द हाउस, मैंने उसे बनाया, क्या बनाया, आई बिल्ड द हाउस, मैंने उसके लिए घर बनाया। देखिए यहाँ आई बिल्ड इट का भी मतलब थोड़ा सा ये निकलता है कि हाँ
मैंने उसको भी बनाया, मतलब हमारा साथ रहा है उसके जो जीवन में जो कुछ था उसमें मेरा योगदान था। और आई बिल्ड द हाउस, मैंने उसका घर बनाया, रहने का जो निवास है वो भी मैंने बनाया, दैट हिम लिव इन, और उसमें रहता था। बट नाउ दैट हिम डेड, अब जब उसकी मृत्यु हो चुकी है, दैट मागवा फूड बॉय, ये मागवा फूड बॉय जो है ना, उसके लड़के को वो चिढ़ करके इस तरह से बोलता है कि वो लड़का है उसी को, तो जो मागवा फूड नाम का लड़का है उसका, वो अब वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा है, क्या हमारी दोस्ती का, उसने मुझे दरकिनार कर दिया, मुझे काम नहीं दिया, काहे का, कम से हिम वांट ए नाइस जॉब फॉर द किफिन, आया था और उसे एक बहुत अच्छे ताबूत की ज़रूरत थी, बहुत सुंदर ताबूत चाहिए उसको, बढ़िया काम हो जिसमें, नाइस जॉब फॉर द किफिन, लेकिन मुझे नहीं दिया ये काम, किसको दिया, अगली लाइनों में है, अगली लाइनें आते हैं, देखते हैं, सो हिम गिव इट टू मिस्टर बेलनावेस टू मेक दैट बिग बेली क्रूक हु डोंट नो हिम अर्थ फ्रॉम चीज, उसने काम दे दिया मिस्टर बेलनावेस, वो जो मोटी तोंद वाला, बड़ी तोंद वाला क्रूक दुष्ट व्यक्ति है मिस्टर बेलनावेस, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, अरे और वो व्यक्ति, उसे तो अर्थ फ्रॉम चिसेल, हु डोंट नो हिम अर्थ फ्रॉम ए चिसेल, चिसेल माने होता है छेनी जिसे छीला जाता है, काटा जाता है लकड़ी को, उसके इस्तेमाल में यूज होती है चिसेल, तो उसे तो जिसे छेनी चलाना नहीं आता, लेकिन क्यों दे दिया, बिकॉज हिम इज ए बिग शॉट, वो बड़ा दुकानदार है, उसके पास में जगह बड़ी है, और इसलिए मुझे छोड़ करके मेरी वजह उसने ये काम, मेरे मित्र का ताबूत बनाने का काम उस दुष्ट बेलनाविश को दे दिया, बिकॉज अगला, हाँ, बिकॉज हिम मेक ए बिग शॉट कॉफिन फी हिम कॉफिन मस्ट बेटर दैट माइन बॉय थॉट मी, तो ये है कि बिकॉज हिम मेक बिग शॉट कॉफिन, क्योंकि वो बड़ा बना सकता है इसलिए उसने उसको दे दिया, तो फी हिम, मुझे उस पर बहुत दुख हो रहा, घृणा हो रही, फी हिम कहाँ वो कॉफिन मस्ट बेटर, कैसे वो कॉफिन मस्ट बेटर बना सकता है, वो मुझसे अच्छा नहीं बना सकता, दैट माइन मैं बना, जितना बढ़िया मैं बना सकता था वैसा वो नहीं बना सकता, और इसलिए हे बॉय, मतलब ये जो दुष्ट ये लड़का है मित्र का, इट हॉट मी, इसने मुझे अंदर आग लगा दी है, मतलब मेरे अंदर बहुत गुस्सा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, और मैं बहुत नाराज भी हूँ, दुखी भी हूँ। अगली लाइनें हैं, फॉर ट्रू फेक्स वी ए नेक्स्ट वन मिस फर्गी, देखिए यहाँ जो कुछ शब्द हैं जो जिनमें पूरे अक्षर नहीं होंगे कविताओं में, क्योंकि देहात में जिस इलाके की कविता है ये गांव देहात की बोली में वहाँ की लिखी गई, जिसमें कुछ शब्दों को लोग पूरा नहीं बोलते, नेक्स्ट की जगह सिर्फ नेक्स्ट बोला है, और मी की जगह कहीं पर एम आई लिखा है, हाँ, तो यहाँ भी फिक्स वी नेक्स्ट वन फॉर ट्रू, सच कहूँ फिक्स वी नेक्स्ट वन, हमें उसने, इस लड़के ने बहुत असमंजस में डाल दिया है, मुझे बड़ा, मैं जड़ हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, क्यों, मिस फर्गी, अभी मिस फर्गी कोई वहाँ हैं जो सुन रही हैं, उनसे वो कारपेंटर जो है बढ़ाई अपना दर्द बयां कर रहा है, कि दैट मैन कुड नॉक बैक हिम वाटर्स, इस पूरी लाइन का मतलब ये है, नॉक बैक माने फिर से मार के पीछे कर देगा, मार देगा उसको, मतलब ये जो मेरा मृत्यु है उसको वो जिस तरह का ताबूत बनाएगा वो उसमें उसको चैन नहीं आएगा, और उसको वो उसमें फंस करके अपने आप को फिर से मरा हुआ महसूस करेगा। अब लास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, लास्ट दोबारा क्या मरेगी, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि वो उसको, उसकी आत्मा बहुत दुखी होगी, बहुत अपने आप को मरा हुआ महसूस करेगी, और इस बात का यू नोशा, यू तुम नहीं समझते हो इस बात, ये शायद इसलिए है क्योंकि उसके मित्र से
ये ताबूत नहीं बनवाया गया है तो उसकी आत्मा को भी दुख होगा, लेकिन ये लड़का नहीं समझ रहा है। हैं, खैर अगली लाइन है, आई रिमेम्बर द डे इन दिस सैड सेम बार व्हेन हिम ड्रिंक ओल्ड ब्राउन एंड कॉक्शन इनटू द ग्राउंड देन स्टैंड अप स्ट्रेट एज ए प्लम्ब लाइन। मुझे याद है वो दिन जब शेड सेम बार, जो मैंने इसी बार की बात है, मतलब बार यहाँ पर दारू का अड्डा है वहाँ की बात, व्हेन हिम ड्रिंक ओल्ड ब्राउन, जब मेरे दोस्त ने ओल्ड ब्राउन पी और कॉक्शन, ये दोनों ब्रांड हैं दारू के, बड़े ब्रांड हैं, जब उसने पिया इनटू द ग्राउंड वहाँ पर जमीन में, लेकिन इतना सब पीने के बावजूद भी मेरा मित्र जो है इतना अच्छा दारू मैन दारू पियकर इतना अच्छा था, स्टैंड अप स्ट्रेट एज ए प्लम्ब लाइन, वो गिरा नहीं झुका नहीं, उसके होश ज्यों के त्यों थे, वो कैसे खड़ा रहा, जैसे प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन होती शाहू, दीवार की सीध नापने के लिए एक यंत्र होता है, ऐसी लकड़ी के जो मेज तख्त कुर्सी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है प्लम्ब लाइन का, ताकि उसको बिल्कुल सीधा उसी सीधा में कोई चीज़ सेट की जा सके। तो जैसे प्लम्ब लाइन सीधी बिल्कुल खड़ी होती है, वैसे ही खड़ा था, उसके ऊपर उस जो ओल्ड ब्राउन का कॉक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा था, ऐसा था मेरा यार। अब देखिए यहाँ खुद भी दारू पी रहा था और उसकी बड़ाई भी कर रहा है कि मेरा मित्र दारू पीने में कितना तगड़ा था। अगली लाइन है, एंड कील हिम फेल्ट हैट ऑन हिम हेड एंड वॉक होम कूल 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 डेम वॉच वाटर बर्ड ब्रदर, कि मैंने अब खड़ा होकर के उसने किया क्या, कील हिम फेल्ट हैट अपने सिर पर टोप लगाया और शान से वॉक चला कूल 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 बढ़िया शान से पूरी प्रतिष्ठा के साथ पूरे गर्व के साथ टैम वॉच वाटर वर्ल्ड। अरे वो तो मेरा दोस्त जो था वाटर वर्ल्ड था, मतलब पीने का पूरा अच्छा पियक्कड़ था ब्रदर, लेकिन जो आज कंडीशन है इससे क्या है, इससे मुझे क्यों कितना ख़राब लग रहा है, इसको फिर कह रहा है फ्यूनरल, लेकिन इस आज जब उसके मौत हो गई है तब मीशा फ्यूनरल मीशा, मैं बहुत गहरे तक दुखी हूँ। दैट बॉय हैव टू लर्न, उस लड़के को पता होना चाहिए, उसके लड़के को जो मेरा मित्र का लड़का है जो मुझे भाव नहीं दे रहा, उसको हैव टू लर्न, उसे पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि दैट ए मैन हैव हिम प्राइड, आदमी का कोई अपना स्वाभिमान भी तो होता है। अरे हम मित्र थे ना, तो मित्रता भी तो कोई चीज़ होती है, सिर्फ जो है बड़ी दुकान या बड़े नाम ही थोड़ी चीज़ होती है, महत्व रखते हैं आपके काम आने वाले लोग, आपको याद करने वाले लोग, आपके सुख दुख के साथी, उनका भी तो ध्यान रखें, लेकिन उसने नहीं रखा। बट ब्लेस मी दिस, लेकिन मैं इससे इतना दुखी हूँ, पर ठीक है, बट ब्लेस मी दिस, मुझे उन दिनों को लेके बड़ा मैं अपने आप को ब्लेस या धन्य महसूस करता हूँ। कौन से दिनों, गुड एनफ टू बिल्ड द हाउस दैट हिम लिविंग, कितना बढ़िया मैंने बहुत सुंदर बहुत अच्छा सा बिल्ड हाउस एक घर बनाया था उसके लिए, इस चीज़ को लेके मैं ब्लेस महसूस कर, तब दैट हिम लिव इन, जो घर बनाया था मैंने उसमें वो रहता था, उसमें वो रहा, तो इस बात का मुझे बड़ा घमंड है, प्राइड है, और बड़ा मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। लेकिन अब क्या दिक्कत है, ये अगली लाइनों में है कि बट नॉट गुड एनफ टू मेक हिम कॉफिन, हमारा इतना साथ था, मैंने घर बनाया, बट नॉट गुड एनफ टू मेक कॉफिन, आज ये जो कंडीशन है इस लड़के ने कैसी पैदा कर दी है कि आज मैं उसका जब ताबूत बनाने की बारी आई तो मैं अच्छा नहीं था, मैं इतना कुशल नहीं हूँ, जबकि जब उसका पूरा घर बनाया पूरा सब कुछ रहने का बनाया तब मैं बड़ा अच्छा था। आई वुड डू इट फॉर नथिंग, अरे मैं, वो मेरा मित्र था, मैं उसके लिए नथिंग में, मतलब कि
बिना कुछ लिए, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई शुल्क लिए मैं ये काम उसका कर देता। मुझे कुछ चाहिए थोड़ी था, मेरा मित्र था, मुझे उसका कफिन या ताबूत बनाने का मौका मिलना चाहिए था, मुझे ये काम उसे देना चाहिए था। द मैन वाज मी फ्रेंड, वो व्यक्ति मेरा मित्र था, लेकिन डैम्ड मागवा फूट बॉय, ये जो लड़का है उसका, ये दुष्ट मागवा फूट बॉय, इच यूनिवर्सिटी टर्न हिम फूल, ये पढ़ लिख करके मूर्ख हो गया है। मतलब यूनिवर्सिटी टर्न हिम फूल, मतलब ये पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो इसका इसके ऊपर अब ये उन भावनाओं का ख्याल नहीं रखता और अब ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। आई टेल यू, लड़के जो तुमने किया है, मैं बता रहा हूँ, इट बर्न मी फॉर ट्रू, ये मुझे हमेशा मेरे लिए दुख पहुँचाता रहेगा, मुझे जलाता रहेगा, तुम्हारे इस कृत्य से मैं अंदर अंदर हमेशा परेशान रहूँगा, जलता रहूँगा, दुखी रहूँगा। धन्यवाद।